आसपास बिखुआ के कुंटा, बीच अमृत है भाई रे। आसपास दा मतलब है आले दुआले, आगे पीछे ते विच दा मतलब है अंदर। मैं उस गल नाल जोड़ के फिर बार दूजा पक्ष अगले हफ्ते कराने सोचांगे। विच अमृत ते आस पास बिखुआ के कुंटा, दो चीजा दी विश्लेषण दी लोड़ है। अमृत विच है बार में, आस पास दा अर्थ हुंदा है अगे पिछे आसे पास। वो बार दा विषय है, अंतर दा विषय है। जो शब्द दूजा आया ना, उनके भी ये गल आखी ने कि दुखे ग्रह ताज, ग्रह का मतलब अंदर घर। गुरु ने बार बार ग्रह नाल जोड़िया है, इस ग्रह में कोई जागत रहे साबत वस्तु वो अपनी लय। ग्रह ना त्याग कर, हुण आ करदा तां मसला नहीं, ते ओ घर जिहड़ा जिहड़ा अंदर है वो रब दा घर है। ओ घर हर किसी मनुख का नहीं, हां मनुख नूं हुक्म है कि जिथे रब वसदा है तू उथे पहुंच, तां ही मिलाप होएगा ना। मनुख आस पास फिर ग्रह पहुंचा है, इस संसारिक इटा पत्थर के ग्रह नहीं, उस ग्रह जिथे रब बहता है प्रभु रहता है। मिलापी तो समझो बड़ी भाई प्राप्त मनुख देरी आ गोबिंद मिलन की ये तेरी बढ़िया। गुरबाणी ने आख्या वो घर के कह लगे तन मैं मनुआ मन मैं साचा। रब मन के घर रहता है, मन मंदिर तन भी अंदर घाट ही तीर्थ न हो। मन घर मैं सुन दिया हर फिर संग बैठनिया। मन एक वो घर है जिथे निरंकार रहता है, असी निरंकार नूं इट्टां पत्थरां दे बड़े खूबसूरत गुरुद्वारे मंदरां रूपी घरां विच पा लैंदे आ, उहनूं रब दा घर आखदे आ। हालांकि उह प्रबंध करदे घर हुंदे ने, उत्थे ते रब कोलों कोई पुछदा ही नहीं तैनूं की चाहीदा, तैनूं की पसंद है। चलो खैर, अज मेरा उह विषय नहीं। असी संसारिक इमारतों में रब ढूंढने, रब का घर आखते हैं, पर गुरु कहते नहीं, उनका घर तेरे अंदर है बाहर नहीं। वो हर मंदिर भी अंदर है, उसे मन आख लेने। मनुख मन वाले पासे झकदा नहीं, उधर जांदा ही नहीं, उंदी सफाई नहीं करदा। गुरु ने बार बार एक गल क्यों कह दिती, कहन लगे बाहर देव पखालिए घट अंतर पूजा हो। मन मैरे सब कुछ मैदा, क्योंकि तू अंदर जाती नहीं पाता। बाहरों पत्थर दे ठाकर लाए
के धो रहे हैं, उन्होंने इशनान करा रहे हैं, अंदर का ठाकर भी कद सफाई वाल सोचे ही नहीं, क्योंकि मनुख की मन तक पहुँच नहीं, तो मन तक पहुँच ना होने करके मन में वसन वाले तक पहुँच नहीं। यो कारण है मनुख ने इन्ना कुछ आडंबर किया है धर्म के नाम से, पर रब नाल मेल नहीं होया। अखंड पाठ कराए, एक दो ने चार ने कोतनी चला दी, जिन्होंने कोतनी कराई उन्होंने पूछो भला तुम रब देखे मेल होया। भैने पाठ कराए तो गुरु ने कहा पाठ पढ़े और वेद विचार निबल पे उनके प्रसाद दे पंज ना सो संग ना छुप प्यो अधिक अहम बोझ बात दे प्यारे इन पे तो मिलन ना जाए मैं कि ये कर्म अनेका। हम देखना है कारण क्या है कि मनुख सारे कर्म शरीर करके कर रहे हैं, बाहर ढूंढ रहे हैं, पाठ जबान ने करना है, खाने पढ़ना है, बस मन च नहीं जान देना, जो पढ़िया अंदर नहीं जाना चाहिए। हम अंदर बैठा मन, मन में बैठा है निरंकार, मनुख की उत्थे तक पहुंच कोई नहीं। एहो कारण इन्ने आडंबर करन दे किए कर्म अनेक अनेक तरह के आडंबर करन दे बावजूद अजे तक तसली नाल छाती ते हाथ रख के ये नहीं कह सकता मैं रब देखिया। जे किसी ने देखे तो दसो क्यों नहीं देखे, वो मन में वसदा है, तू मन वाले पासे छाती नहीं पाऊंगा। गुरु ने इतने ग्रह लफज जरा है साने थोड़े घर का ना नहीं लिया, रब के घर का ना है, मनुख तरी बैठा है उधर ध्यान कोई नहीं। तो गुरु ने यो गल रख दी है घर छड़ दिता जिथे मिलना सी रब ने, उधर ध्यान कोई नहीं, मन का सुधार कोई नहीं, मन नाल लगाओ कोई नहीं। इस वास्ते मिलाप कोई नहीं, ग्रह छड़ी फिर वो ग्रह सी अंदर ते मनुख बन खंड जाइए भाव आस पास प्यो फिर शब्द दे उस नेड़ता बल बदला उस पास आवा। मेरा एक विस्तार उस शब्द का नियम के नाल लय हुए एक एक शब्द है वो एक आस पास बिखुआ के कुंटा जेड़े घर तो मन तो बाहर तन के द्वारे ने वो तो बेकार ने, जिन्हें बेकार ने वो तन के द्वारे ने। ख्याल करो मन में कोई फुरना पैदा हो सकता है वो विकार नहीं बन सकता जिन्ना चेर वो विहार विच नहीं आता। मन में आ सकता है कि मेरा आ बचाव होता है जो मैं झूठ बोलता हाँ, पर जो मन में ख्याल आया वो झूठ नहीं बनया, झूठ तो उदो बनेगा जो मुंह तो बोलेगा। इसलिए एक ख्याल करें आस पास ग्रह तो बाहर निकलेगा, आस पास जाएगा तो उत्थे सारे विकार के रहेंगे, उत्थे बिखुआ के कुंटा ने जिन्नी जहर है ना विकार दी वो आस पास में जाए। गुरु बार बार यो गल समझा रहे ने कहते ने द्वाले मनुख दे संसार विच आस पास विच
घर नूं छड के रब नूं छड के उहदे सिद्धांत नूं गुरु दे सिद्धांत नूं त्याग के आस पास देखना। हुण कदी ध्यान दिओ, अजीब गल है, श्री गुरु ग्रंथ साहिब दा प्रकाश इत्थे वी है। श्री गुरु ग्रंथ साहिब दा प्रकाश हर गुरद्वारे विच वी है, ये भी कोई मनापली नहीं। श्री गुरु ग्रंथ साहिब दा प्रकाश तुसी भी घर कर सकदे हो, कोई मना ही नहीं। श्री गुरु ग्रंथ साहिब दे अंदर ज्ञान है, अंदर ज्ञान है। ते फिर आ डेरियां दी वक् वक् संप्रदावां दी वक् वक् विचारधारा ते वक् वक् मर्यादा ये क्यों ने, क्यों ने? क्योंकि डेरियां विच बैठ के भी ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਬੈਠ ਕੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਸ਼ਬਦ ਗੁਰੂ ਗਿਆਨ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਜੁੜ ਰਹੇ। ਕੇਵਲ ਅਸੀਂ ਚੋਲਿਆਂ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਨਮਸਕਾਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਕੇਵਲ ਗੋਲ ਪੱਗਾਂ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਨਮਸਕਾਰਾਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਆਸ ਪਾਸ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਹਾਂ। ਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦਾ ਆਸ ਪਾਸ ਵਿਖੂਆ ਕੇ ਕੁੰਟਾ, ਜਿੰਨੇ ਭਰਮ ਭੁਲੇਖੇ, ਜਿੰਨੇ ਟਕਰਾਓ, ਜਿੰਨੀ ਦੁਬਧਾ, ਜਿੰਨੀ ਨਫ਼ਰਤ ਕੌਮ ਵਿੱਚ ਫੈਲ ਰਹੀ ਹੈ ਉਹ ਆਸ ਪਾਸ ਕਰਕੇ ਹੈ। ਕਦੀ ਸਾਰੀ ਕੌਮ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਜੁੜ ਜਾਏ ਅਤੇ ਇੱਕੋ ਅਸਥਾਨ 'ਤੇ ਇੱਕੋ ਨਿਸ਼ਾਨੇ 'ਤੇ ਟਿਕ ਜਾਏ ਕਿ ਇੱਕਾ ਬਾਣੀ, ਇੱਕ ਗੋਰੀ, ਇੱਕੋ ਸ਼ਬਦ ਵਿਚਾਰ, ਕੋਈ ਦੁਬਧਾ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਟਕਰਾਓ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਆਪਣਾ ਬੇਗਾਨਾ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਦੁਸ਼ਮਣੀ ਨਹੀਂ। ਬਲਕਿ ਵੱਖ ਵੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਦੀ ਵੀ ਲੋੜ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਨਾ ਪਵੇ। ਹਾਂ, ਜਿਹੜੇ ਅੱਜ ਵੱਖ ਵੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਕਿਉਂ ਨੇ? ਕਿਉਂਕਿ ਮਰਿਆਦਾ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਮਨੁੱਖ ਦੀ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਦੀ ਨਹੀਂ। ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਾਰੀ ਥਾਂ 'ਤੇ ਗੁਰੂ ਦਾ, ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦਾ, ਪਰ ਮਰਿਆਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ, ਇਸ ਲਈ ਮੇਰਾ ਸਥਾਨ ਵੱਖਰਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਤੁਹਾਡਾ ਸਥਾਨ ਵੱਖਰਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਮਰਿਆਦਾ ਤਾਂ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਚਲਾਉਣੀ ਹੈ, ਤੁਸਾਂ ਆਪਣੀ ਚਲਾਉਣੀ, ਗੁਰੂ ਦੀ ਤਾਂ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਆਖਣਾ, ਤੂੰ ਪੀੜੇ 'ਤੇ, ਤੂੰ ਸਿੰਘਾਸਨ 'ਤੇ, ਤੂੰ ਪਾਲਕੀ ਵਿੱਚ ਬਸ ਬੈਠਾ ਮੱਥਾ ਟੇਕਾ ਲੈ, ਅਸੀਂ ਤੈਨੂੰ ਮੱਥਾ ਟੇਕਾਂਗੇ, ਮੰਨਣੀ ਤੇਰੀ ਗੱਲ ਹੀ ਨਾ ਸੁਣਨੀ। ਆਸ ਪਾਸ ਵਿਖੂਆ ਕੇ ਕੁੰਟਾ, ਆਪਣੇ ਇੱਕ ਲਫ਼ਜ਼ ਆਏ ਸਨ, ਖਤਰਨਾਕ ਕਿਵੇਂ ਦੋ ਚੀਜ਼ਾਂ ਇੱਥੇ ਆ ਗਿਆ ਸੀ ਖਿਆਲ। ਕੈਸੇ ਮਨ ਧਰੇਗਾ ਜੀ ਦੇ ਖਿਆਲ ਮੁਤਾਬਕ, ਬੜੇ ਸੋਹਣੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਸਮਝਾਉਣ ਦਾ ਇੱਕ ਵਸੀਲਾ ਬਣਾਇਆ ਨੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਮਨ ਅੰਦਰ ਬੜਾ ਫਿਕਰ ਸੀ, ਬੜੀ ਚਿੰਤਾ ਸੀ, ਮਨ ਨਾਲ ਬੈਠੇ ਝੋਰਾ ਝੋਲਦਾ ਸਨ, ਫਿਕਰ ਤੇ ਚਿੰਤਾ ਵਿੱਚ ਸਨ ਉਹ ਮਨ। ਇਸ ਸੰਸਾਰ ਸਾਗਰ ਜ਼ਹਿਰ ਦੇ ਜੰਗਲ, ਬੇਖ ਦੇ ਜੰਗਲ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਵੇਂ ਜੀਵਨ ਗੁਜ਼ਾਰੇਗਾ, ਪਾਰ ਲੱਗੇਗਾ? ਬੋਲੋ ਵਰਤੇ ਨੇ ਬੇਖ ਹੈ ਕੋ ਬਣਾ ਤੇ ਸੰਸਾਰ ਸਾਗਰ। ਸਾਗਰ ਦੇ ਆਪਣੇ ਔਕੜਾਂ ਨੇ ਪਾਰ ਕਰਨ ਲਈ, ਤੇ ਬੇਖ ਦੇ ਬਣ ਜਿੱਥੇ ਹਰ ਬੂਟਾ ਜ਼ਹਿਰੀਲਾ ਹੋਵੇ। ਰਾਤ ਇੱਕ ਲਫ਼ਜ਼ ਆਇਆ ਸੀ ਕਿ ਹਰ ਬੂਟਾ ਜ਼ਹਿਰ, ਤੇਰੀ ਮੌਤ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਤੇਰੇ ਲਈ ਮੌਤ ਲਈ ਖੜਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਿਧਾਂਤ ਨਾਲ ਉਹ ਤੋੜ ਰਿਹਾ। ਰਾਤ ਇੱਕ ਲਫ਼ਜ਼ ਸਨ ਬਾਬਾ ਕਬੀਰ ਜੀ ਦੇ, ਦੁਬਲਾ
पानी पीन वास्ते तालाब दे कंडे वल गया। तालाब गया, मैं उसनूं संकेत करके अगे जोड़ना चाहना। तालाब बड़ा हरा भरा खूबसूरत, पर शिकारी ने भी यह अंदाजा लाया भी पानी की उन्होंने लोड़ है, उनकी कमजोरी है। इन्हें इन्ने बजे पानी पीन आना ही है। मैं अर्ज की तुम शिकारियों को पता है भी जानवर किन्ने बजे किस तालाब से पानी पीन आते हैं। वो भी वो हिसाब ला के उस राह के आले दुआले बह जाते हैं शिश्त बना के। बाबा कबीर ने एग्जाम्पल दी सी संखेप चल करा कि जीव जिहड़ा है, तेरा जीवन जिहड़ा है, वह एक दुबला हरण है, भाव कमजोर गया हरण है। बड़िया कमजोरिया ने इंदे विच, कमजोर हरण है। ते संसार जिहड़ा है, हरियाला तारा है आस पास है ना, बड़ा हरा भरा देखण नूं बड़ा खूबसूरत है। तेनू असीं होर हरा भरा देखण वाला ही बनाउंदे आ। अजीब गल है, दौड़ यह लगी हुई है कि एक दूजे तो वड्डा गुरद्वारा बनाना है, एक दूजे तो वधिया पालकी बनाउणी। पायो जिन्नी मर्जी पालकी वधिया बना लो, जिन्ना मर्जी वड्डा गुरद्वारा बना लो, विच तां उह वी जपजी साहिब दा प्रकाश होणा है। उहदे ते अण नहीं, गुरुद्वारे की इमारत बनाने वाले ध्यान है, क्योंकि बाहर है ना, आस पास है। मनुख जिन्नी देर बाहर वाल ध्यान देता है, कितने भी ख्याल दिता उन्हें। कहने लगे उस राह ते जीव ने चलना सी अपना पानी पीने वास्ते, अपनी इच्छावां लोड़ पूरी करने वास्ते। शिकारी ने अंदाजा लगाया इनकी कमजोरी, हो राह विच बैठ गया शिस्त ला के। ते बाबा कबीर जी ने एक लफज वरते सन, कहने जीव करे भी की, ओ बेचारा इकला ते दुबला, ते शिकारी एक नहीं, भाव विकार एक नहीं। मनुख दे दुआले विकारां दा एक बड़ा वड्डा जंगल है, ये सारे शिकारी ने हर विकार जीवन नूं बर्बाद कर देना चाहुंदा। ते लबसन लाख अहेरी, लखों शिकारी, एक जीव, एक बेचारा जीव, ते लखां शिकारी। कहता बाचों काल, किन्ना क समा मैं इहदे जीवन दी आस रखा कि जीवंदा रहेगा। इन्ने शिकारियों विचों बच के अपना जीवन बचा के रखेगा। कभी अज भी ध्यान दिओ, एक कौड़ी सच्चाई है, असीं ध्यान ना देईए वक्री गल है। अजे अज भी ध्यान दिओ ते उन्हां शिकारियों का इन्ना वड्डा जाल बुनिया गया, कोई रस्ता असीं ध्यान, अजीब गल है, ध्यान नहीं दे रहे। अकाली एक पोस्ट पई हुई सी ते मैं हैरान होया भी कोई ध्यान नहीं दे रहा इस गल नूं, किस तरह प्रचार किया जा रहा। कोई सिखी सफर दे नाम थले चैनल चलाया गया है, उहदा इक हिंदू वीर आगू है, वह सारे इतिहासक गुरद्वारे ते होर ऐसे स्थानां दे ते ऐसे इतिहास नूं फरमा के लोगों के सामने पेश करना है। उनकी ड्यूटी की है, वो इतों का पता लगता है, वो मेरे को मौजूद है, देख सकते हो, तो उतों अंदाजा लग जाता सारी चीज़ का। एक चैनल वाले की अपनी ड्यूटी तो कुछ ज्यादा दिखा, सिर्फ दिखावे रहे, वो तो सब कुछ आप कर रहे हैं। दिखा के रहा है गुरु हरगोबिंद साहब पातशाह जी दी दे समय की एक गड़ी है, उन्हों दिखा रहे खंडर गुरु हरगोबिंद पातशाह जी के वक्त में। वह है श्रोमणी गुरुद्वारा, इतिहासक होने करके श्रोमणी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी के अंडर है, ये भी दस दें। खंडर भी दिखा रहा है, कुछ समय तो बाद श्रोमणी कमेटी वालों गुरुद्वारा बनाया गया। दिखा के रहा है कि इस खंडर के दो वड्डे संदूक पे सन, जदों गुरद्वारा बनिया नाल उस खंडर दे हवेली दे नाल, ते ओ दोनों संदूक उन्दे विच लाए आंदे गए।
अगे जाके फिर वो कहता बाकी आप इतिहास ग्रंथी सिंह को पूछने ग्रंथी जो बेचारा आ कुछ साढ़े बिचो हो रहा है रोटी के कारण साड़िया कमजोरिया कितने पहुंच जाने उस ग्रंथी को अखवाया जा रहा है कि 2003 विच जो मैं आया इतने सेवा विच ते मैं आख्या संदूक खोल खोले तो इन दो ग्रंथ सन एक श्री गुरु ग्रंथ साहब का एक दसम ग्रंथ का वो लफ्ज कहता है दो ग्रंथ सन इन्हों के पत्र आपस में जुड़ चुके सन 325 साल आप ही जोड़ लेने उन्हें अपने तारीख भी निश्चित कर ली है ग्रंथी सिंह ने नहीं उस चैनल वाले ने भी 325 साल पुराना भाई मणि सिंह जी का लिखा हुआ यह सारी गल चैनल वाला कह रहे हैं जिन जिंदा अपना कोई मसला नहीं बीच लैन दे मैं हैरान होया मैं तीन साल हौली हौली एक एक पत्र वखरा करके प्रकाश करन लायक बनाया 2003 तो बाद मैं हैरान होया भी 1920 विच श्रोमणी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी होंद विच आउंदी है ते गुरुद्वारे उहदे हवाले कीते जांदे ने 1920 विच इहदा मतलब यह हवेली भी 1920 तो श्रोमणी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी दे आउंदी है ਉਹ ਅੰਦਰ ਪਏ ਹੋਏ ਸੰਦੂਕ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਦਿਖਾਏ ਗਏ ਨੇ ਉਹ 1920 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਖੋਲ ਕੇ ਨਹੀਂ ਦੇਖੇ ਕਿਸੇ ਦੇ ਖਿਆਲ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਆ ਵੀ 1920 ਪੂਰੀ ਸਦੀ ਗੁਜ਼ਰ ਗਈ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕਿਸੇ ਨੇ ਉਹ ਸੰਦੂਕ ਖੋਲ ਕੇ ਨਹੀਂ ਵੇਖੇ ਨਵਾਂ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਵੀ ਬਣ ਗਿਆ ਸੰਦੂਕ ਉਹਦੇ ਚਲੇ ਵੀ ਗਏ ਫਿਰ ਵੀ ਕਿਸੇ ਨੇ ਨਹੀਂ ਖੋਲੇ ਲੋਕ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਲੋਕ ਅੱਖਾਂ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਕਿਉਂ ਕਰ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਉਹਦਾ ਨਤੀਜਾ ਸਾਡੀ ਇਸ ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਦਾ ਨਜਾਇਜ਼ ਫਾਇਦਾ ਉਠਾ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਗੁੰਮਰਾਹ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 2003 ਵਿੱਚ ਹੀ ਆ ਕੇ ਇੱਕ ਗ੍ਰੰਥੀ ਸਿੰਘ ਨੇ ਉਹ ਖੋਲਦੀ ਸੀ ਪੇਟੀ 325 ਸਾਲ ਪੁਰਾਣੀ ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਚੋਂ ਜਾਣ ਕੇ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਕਰਦਾ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਅੱਗੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕੀਤਾ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਕਰਨ ਯੋਗ ਬਣਾਇਆ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਨਹੀਂ ਅੱਗੇ ਵੀ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਤਾਂ ਹੋਏ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਕਿਉਂਕਿ ਜਿੰਨੀ ਵਾਰ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਨੀ ਵੇਰ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਚਿੰਨ੍ਹ ਹੈ ਹਿੰਦੂਇਜ਼ਮ ਦਾ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਜਿਸ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਸ਼੍ਰੀ ਗਣੇਸ਼ ਚੌਕ ਦੇ ਵਰਗਾ ਜਿੰਨੀ ਵਾਰ ਅਖੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਹੁੰਦਾ ਉਨੀ ਵਾਰ ਉਹ ਨਵਾਂ ਚਿੰਨ੍ਹ ਲਾਉਂਦੇ ਨੇ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਇੰਨੇ ਚਿੰਨ੍ਹ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਨੇ ਉਹ ਗਿਣਤੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਦੱਸਦੀ ਵੀ ਇੰਨੀ ਵਾਰ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਹੋਇਆ ਹੈ ਸਾਰੀ ਚੀਜ਼ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਮੌਜੂਦ ਹੈ ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦੀਆਂ ਸ਼ਿਵ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਸੁਚੇਤ ਕਰਨ ਲਈ ਮੈਨੂੰ ਸੰਭਾਲ ਕੇ ਰੱਖਣੀਆਂ ਪੈਂਦੀਆਂ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਹੋ ਰਿਹਾ ਉਹਦੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸ਼ਸਤਰ ਦਿਖਾਏ ਗਏ ਨੇ ਇੱਕ ਮਾਲਾ ਦੇ ਲੋਹਾਂ 'ਚ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਕੰਸੈਪਟ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਮਾਲਾ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦਾ ਕਬੀਰ ਮੇਰੀ ਸਿਮਰਨੀ ਰਸਨਾ ਉੱਪਰ ਰਾਮ ਗੱਲ ਮਾਲਾ ਤਿਲਕ ਲੈ ਲਾਟਿੰਗ ਦੋਇ ਧੋਤੀ ਬਸਤਰ ਕਪਾਟਿੰਗ ਜੇ ਜਾਣਸ ਬਰਮਨ ਕਰਮਨ ਸਭ ਫੋਕਟ ਨਿਸ ਕਿਉਂ ਕਰਮ ਗੁਰਬਾਣੀ ਇਹ ਕਹਿੰਦੀ ਉਹਦੇ 'ਚ ਹੁਣ ਇਹ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਉਹ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਕਤ ਦੀ ਇੱਕ ਮਾਲਾ ਵੀ ਹੈ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਇਸ ਮਾਲਾ ਨਾਲ ਜਪਦੇ ਸਨ ਅਤੇ ਉਹ ਸਵਾਲ ਕਰਦਾ ਜੀ ਇਸ ਮਾਲਾ ਦੇ ਮਣਕੇ ਕਿੰਨੇ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਉਮਰਾ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਉਹ ਸ਼ਕਤੀਸ਼ਾਲੀ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਇਸ ਮਾਲਾ ਦੇ ਮਣਕੇ ਕਿੰਨੇ ਨੇ ਅਤੇ ਜਵਾਬ ਵਿੱਚ ਉਹ ਗ੍ਰੰਥੀ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਇਸ ਮਾਲਾ ਦੇ ਮਣਕਿਆਂ ਬਾਰੇ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਜਿੰਨੀ ਵਾਰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਗਿਣੇ ਇਸ ਮਾਲਾ ਵਿੱਚ ਹੀ ਸ਼ਕਤੀ ਜਿੰਨੀ ਵਾਰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਗਿਣੇ ਨੇ ਮਣਕਿਆਂ ਦੀ ਮਾਲਾ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਉਹ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦੀ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਦਾ ਵਿਅਕਤੀ ਦਾ ਨਾਮ ਲੈਂਦਾ ਕਿ ਉਹ ਆਦਮੀ ਇੱਥੇ 6 ਮਹੀਨੇ ਰਿਹਾ ਅਤੇ 18 ਵਾਰ ਉਸਨੇ ਇਸ ਮਾਲਾ ਦੇ ਮਣਕਿਆਂ ਨੂੰ ਗਿਣਿਆ ਕਦੇ ਵੀ ਉਹ ਇੱਕੋ ਜਿਹੇ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਗਏ ਹਮੇਸ਼ਾ ਬਦਲ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਅਜੀਬ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿਵੇਂ ਕਿੰਨਾ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕੌਮ ਦੇਖ ਰਹੀ ਹੈ ਸੁਣ ਰਹੀ ਹੈ ਅੱਖਾਂ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਜਾਗਰਤੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਵਿਰਸਾ ਸੰਭਾਲ ਨਹੀਂ ਸਕਾਂਗੇ ਇਹੋ ਹੀ ਗੱਲ ਗੁਰੂ ਨੇ ਇੱਥੇ ਆਖੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਅਸੀਂ ਗ੍ਰਹਿ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਜਾ ਰਹੇ ਅਸੀਂ ਆਸ ਪਾਸ ਜੀਵ ਰਹੇ ਹਾਂ ਹੁਣ ਆਸ ਪਾਸ ਤੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਕੋਈ ਬਣਾ ਕੇ ਸਾਡੇ ਆਸ ਪਾਸ ਰੱਖ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਅੰਦਰ ਅਸੀਂ ਝਾਤੀ ਨਹੀਂ ਪਾਉਂਦੇ ਜੋ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਝਾਤੀ ਪਾਉਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਸੀ ਅਸੀਂ ਆਸ ਪਾਸ ਦੇਖਦੇ
गुरु ने यो गल बाणी में चाकी कहने लगे जहर का जंगल जिथे हर बूटा जहरीला है इनकी हरियावल वल ना देख हरियावल वल ना देख मेरी मजबूरी मैं तुहाडे नाल परिवारक तौर ते हमेशा हर सांझी गल करना और इन्नी गल भी कहना चाहना किसे जिंदगी दे कोने विच लिख दिओ आने वाला समा साढ़े लई उथे बहुत भयानक है जिन्हों संभालना क्योंकि असं निहत्थे हो गए अज सारी हालत उत है असं निहत्थे हो गए मैं यह लफज आए सर मेरे ते मैं हैरान होया सागर का लफज क्यों कह रहा है जिथे मनुख निहत्था हो जाता है। श्री गुरु ग्रंथ साहब की बाणी का ख्याल है कहने ने सागर का मुकाबला की है सागर लहरी दे मुकाबला की है ते एक एग्जाम्पल वजो श्री गुरु ग्रंथ साहब का श्लोक है वारा ते वधीक विच उन्दे विच कहिंदे ने चाड़े चखड़े तीन चार चीजा नाम लिया कह लगे सब तो पहला खतरा पहला जो झड़ हों झड़ आप खुद न कहने जो बदल आते सारे समझ लिया साड़ी बोली असं कहने झड़ हो गया है जो बदल आ बदल आने तो अंदाजा तो लग जाता है ना भी बारिश पै गई अगले खतरे का पता लग जाता है। कह लगे जो बदल आने चढ़ हो उदो ही तेन जाग पैना चाहिए चेतन हो जाना चाहिए बदल आ रहे चखड़ आ रहे चढ़ तो बाद फिर चखड़ आता है जिन्होंने आप कहने अंधेरी अंधेरी बारिश मिल गई वो बड़ी खतरनाक होंगी कल शामी आई सी 10 मिनट में अपना रूप दिखा गई उनका लफज ना है मैं झाखड़ तूफान जिन्हों आप आखने उनके अंधेरी तेज हवा ते बारिश दो चीजा मिक्स होंगे ने उस जरा चाणसी उनको खतरनाक है ते गुरु ने इन तिना लफजा चोन इकट्ठा किया कहने चढ़ झाखड़ चढ़ तो बाद झाखड़ आया फिर आता है हाड़ जो तेज हवावान से बहुत ही बारिश पवे ना तूफान आ जाए बारिश दर वह फिर पानी जोड़ा धरती संभाल नहीं सकती धरती बेबस हो जाती वो फिर जो धरती उस पानी को जज़ब नहीं करती बेबस हो जाती हाथ खड़े कर देती है तो उदो फिर वो पानी हाड़ बन जाता है धरती नहीं संभाल सकती फिर हाड़ बन जाता है गुरबाणी के लफज ने चढ़ चखड़ औहाड़ पहला चढ़सी चंगा होंदा उदों ही सुचेत हो जांदो फिर चखड़ आ गया तूफान बन गया तू अजे भी सुचेत ना हो फिर होया कि हाड़ आ गया हाड़ आ गया ते जदों हाड़ भी बहुत ज्यादा बलवान हो जाए फिर उनके वड्डियां लहर उठदियां ने आ पर 7 साल पहला सुनामी लहर आई सी कि देशों को ताकत नहीं सर उन्हां कोल साधन नहीं सर इन्ने साधन होने के बावजूद तुसीं सुनामी लहर दी अज भी हिस्ट्री पढ़ के देख लो कई शहर कई पिंड कई देश बर्बाद हो गए हाथ खड़े करते बेबस हो गए कहते ने लहरी वहन लखे सरी चार चीजा की गिनती की बाने कह लगे चढ़ चखड़ औहाड़ लहरी वहन लखे सरी की
बदल आन ते तेनु सुचेत नहीं सी हो जाना चाहिदा कि तू इंतजाम कर दो वो बदकिस्मत सुबाना ना होता जो सुनामी लहर बन जाती उस तो पहला तू अपना कोई इंतजाम कर लें एक खतरे तो बाद दूजा खतरा दूजे तो बाद तीजा खतरा आंदा गया ते तू अपने आप नु अजे भी अभिसला रखेगा जी की करना लोग ऐसे रुकने गुरबाणी दा फैसला चढ़ चखड़ ओ हार लहरी वैन लखे श्री कहता जी की करा मेरे तो हाथ खड़े ने जिस हालत विच आज कौन पहुंच गई है मैं समझदा इत्थे आके हुण बेवस हो गए ने रात भी एक लफ्ज कह सन इत्थों दे किसे सिंह नाल पंजाब दे किसे सिंह दी फोन ते वार्तालाप हुई उन्हें वो फेसबुक ते पाई इत्थों वाला मन अंदर बड़िया मुश्किलों का सामना करती हुई कौम वेख के चुर लिया सी उत्या हो रहा है उत्या हो रहा है बगला सभा हो रहा है तुसी उत्थे बोलता कोई नहीं असि तुरने कई बार उलांबे देने उत्थे बोलता कोई नहीं सब कुछ अखी देख रहा कोई सिर नहीं चुकता अपनी अज दे ख्याल है कि राम मंदिर बनाने वास्ते तुसी बढ़ाओ तुहाडा ते इस्लाम दा चलो झगड़ा असी ना आईए ते चुप वक्खरी गल है पर अज दा अज दी इतला है कि राम मंदिर बनाने वाले ने उत्थे सिंघां नूं नाल लै के अखंड पाठ रखिया ते अरदास कीती है राम मंदिर बनाना है बाबरी मस्जिद चौनी है अखंड पाठ श्री गुरु ग्रंथ साहिब दा रखिया गया है अरदास कीती गई है ताकि इस्लाम दा ते सिखां दा आपसी तनाव मर जाए उपर इस सब कुछ हो रहा है मैं हैरान सा मैं कल एक जिक्र किया ओलांबा वो दे रहे हैं भी तुम उत्थे पौने देने जिन्हें जवाब दिता पंजाब तो वह भी सच्चा है खूबसूरत जवाब से उन्होंने कहने बेवस्था उन्हें आख्या भरावा तुम बाहर बैठे ही गल करते हो अपने आप को ज्यादा महान सिख आखते हो असी बोलते तुम बोलते हो असी बोलते नहीं इतने आके बैठ के वेखो साड़ी की हालत है असी क्यों किमें बोलन जोगे हाँ उनकी गल गलत नहीं ये भी गल सही जिस हालत में उत्थे जिया जा रहा है वह सच्चा है वह कहने केस बना दिते जाते हैं कारोबार बर्बाद कर दिते जाते हैं वो अपनी थां ते परेशान तो देखना तो यह है भी उत्थों तक पहुंचने तो पहला असी क्यों नहीं जागे पहला क्यों नहीं जागे लफज जड़े ने इस गल का प्रतीक ने कहते रहे हाँ चढ़ चखड़ अहाड़ लहरी वैन लखेसरी जो इतने तक पहुंच गया खतरा बढ़ता गया हाथ खड़े हो गए उस सुनामी लहर के सामने हम कोई तरीका नहीं सी कह लगा जी हम की करा अगला अगली लाइन जवाब है अगली लाइन एक जवाब है जी की करा गुरु कहने हाँ कोई तरीका है सतगुरु स्यों अलाए बेड़े डुबड़ ना है गुरु भरती तो ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਅਜੇ ਵੀ ਗੁਰੂ ਦਾ ਪੱਲਾ ਫੜ ਸਾਰੇ ਇੱਕ ਹੋ ਜਾਓ ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਤੁਸੀਂ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਪੱਲਾ ਫੜ ਕੇ ਇੱਕ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਕੋਈ ਸ਼ਕਤੀ ਨਹੀਂ ਬਣਦੀ ਸਾਨੂੰ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲੋਂ ਕਿਉਂ ਤੋੜਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਦਿਨ ਰਾਤ ਇਸ ਐਸੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਤੇ ਐਸੇ ਤਰੀਕੇ ਕਿਉਂ ਲਿਖੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਸਿੱਖ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲੋਂ ਟੁੱਟੇ क्योंकि श्री गुरु ग्रंथ साहब नाल जे सिख सारा जुड़ जाता है तो सारे की एकता हो कोई मर्यादा वक्री नहीं रह जाती कई लोग कहने कहे मैं मर्यादा बदल दी बिल्कुल नहीं मैं कहना श्री गुरु ग्रंथ साहब की मर्यादा लै आओ हर थान से मैं उत्थे हाजिर हाँ मर्यादा श्री गुरु ग्रंथ साहब की किसी मनुखी बनाए हुए चार दस आदमियों भी आदमियों के पंथ की नहीं जो श्री गुरु ग्रंथ साहब कहता है वह ले आओ जे श्री गुरु ग्रंथ साहब देवी देवतियां की उपासना मनता है जे श्री गुरु ग्रंथ साहब दे विच होवे कि शराब पीने वाले साडा अमृत बना सकते हैं तो फिर मैनू भी प्रवान है मसला तो यह है कि साडी कौमी शक्ति बनती है जे असी गुरु वाले बनाते
ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਸ ਲਾਈਨ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਹੋ ਜਵਾਬ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਚੜ ਚੱਖੜ ਉਹ ਹਾੜ ਲਹਿਰੀ ਵਹਿਣ ਲਖੇਸਰੀ, ਅਤੇ ਅਗਲੀ ਲਾਈਨ ਹੈ ਸਤਿਗੁਰ ਸਿਉ ਅਲਾਏ ਬੇੜੇ ਡੁੱਬਣਾ ਹੈ। ਆਪ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੂੰ ਆਵਾਜ਼ ਦੇ, ਉਹ ਤੈਨੂੰ ਬਾਂਹ ਫੜ ਲੈ। ਅਗਨ ਸਾਗਰ ਬੂੜਤ ਸੰਸਾਰਾ, ਨਾਨਕ ਬਾਂਹ ਪਕੜ ਸਤਿਗੁਰ ਨਿਸਤਾਰਾ। ਇੱਕੋ ਤਰੀਕਾ ਹੈ ਜੇ ਸਾਰੇ ਅਸੀਂ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਲੜ ਲੱਗ ਜਾਈਏ, ਅਤੇ ਏਕਤਾ ਹੋ ਕੇ ਸ਼ਕਤੀ ਬਣ ਕੇ ਅਸੀਂ ਇਸ ਸੁਨਾਮੀ ਲਹਿਰ ਤੋਂ ਬਚ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਭਵਿੱਖ ਕੋਈ ਚੰਗਾ ਨਹੀਂ। ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਸਾਨੂੰ ਸੁਚੇਤਤਾ ਅੱਜ ਵੀ ਹੋ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਬੱਦਲਾਂ ਤੋਂ ਬਣੀ ਹੋਈ ਲਹਿਰ ਤੱਕ ਪੁੱਜਣ ਨਾਲ ਗੁਰੂ ਇਹੋ ਗੱਲ ਆਪਣੇ ਰਸਨਾ ਤੋਂ ਬਾਬਾ ਨਾਮਦੇਵ ਜੀ ਦੀ ਰਸਨਾ 'ਤੇ ਬੈਠ ਕੇ ਆਖ ਰਹੇ ਨੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕੈਸੇ ਮਨ ਤਰੇਂਗਾ ਰੇ, ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਚਿੰਤਾ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਫਿਕਰ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਨੀਂਦ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ। ਕੈਸੇ ਮਨ ਤਰੇਂਗਾ ਰੇ, ਸੰਸਾਰ ਸਾਗਰ ਬਿਖੇ ਕੋ ਬਣਾ। ਉਹਦੇ ਬੜਾ ਖੂਬਸੂਰਤ ਜਵਾਬ ਹੈ। ਜਵਾਬ ਕੀ ਹੈ? ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਛੀਪੇ ਕੇ ਘਰ ਜਨਮ ਦਾਦਾ ਗੁਰੂ ਉਪਦੇਸ਼ ਬਹਿਲਾ। ਮੈਨੂੰ ਮੇਰੇ ਮਾਲਕ ਨੇ ਭਾਵੇਂ ਛੀਪੇ ਦੇ ਘਰ ਜਨਮ ਦਿੱਤਾ, ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਗੁਰੂ ਉਪਦੇਸ਼ ਦੇ ਲੜ ਲਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸੰਤ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰਸਾਦ ਨਾਮਾ ਹਰ ਪੇਤਲਾ, ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਮੈਨੂੰ ਗੁਰੂ ਉਪਦੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਸੀ ਮਿਲਿਆ, ਉਨੀ ਦੇਰ ਮੈਂ ਵੀ ਚਿੰਤਾ ਵਿੱਚ ਸਾਂ। ਜੇ ਤੂੰ ਆਪਣੀ ਚਿੰਤਾ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਕੇ ਅਚਿੰਤ ਮਨ ਰੱਖ ਸੀ ਤੇ ਪਹੁੰਚਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਉਪਦੇਸ਼ ਪਹਿਲਾਂ ਤੇ ਪਹੁੰਚਣਾ ਪਏਗਾ। ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਗੁਰੂ ਉਪਦੇਸ਼ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਜੁੜਦਾ, ਉਨੀ ਦੇਰ ਅਚਿੰਤ ਮਨ ਰੱਖ ਸੀ ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ। ਇਹ ਦੋਨੋਂ ਲਾਈਨਾਂ ਇਸ ਅੱਜ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਵਿੱਚ ਨੇ। ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕੈਸੇ ਮਨ ਤਰੇਗਾ ਸੱਚਾਈ ਹੈ ਕਿ ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਧਰਮ ਅਸਥਾਨਾਂ, ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਅਸਥਾਨਾਂ, ਸੰਪਰਦਾਵਾਂ, ਉਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਸਹਿਲ ਕਾਇਮ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਜੇ ਨਾ ਹੋਣ ਤਾਂ ਭਲਾ ਕਿਸੇ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਪਾਬੰਦੀ ਲੱਗੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਸ਼ਬਦ ਵੀ ਪੜ੍ਹਨਾ ਹੈ? ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਕੀਰਤਨ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਅਜੀਬ ਗੱਲ ਹੈ। ਅੱਜ ਗ੍ਰੰਥੀ ਰਾਗੀ ਪ੍ਰਚਾਰਕ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਵਿੱਚ, ਇੱਥੇ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀਰ ਆਇਆ, ਜਾਣਦੇ ਨੇ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਉਹਨੂੰ ਆਉਂਦਿਆਂ ਹਦਾਇਤ ਹੋਈ ਹੈ ਕਿ ਤੂੰ ਇਸ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਵਿੱਚ ਜੇ ਕਥਾ ਕਰਨੀ ਹੈ ਤਾਂ ਆਹ ਗੱਲ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ।
ਅਜੀਬ ਗੱਲ ਹੈ, ਇਹ ਕੌਣ ਕਹਿੰਦਾ? ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਕੋਲੋਂ ਪੁੱਛ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਕਹੋ ਵੀ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਜਾਇਜ਼ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਉਹਨੂੰ ਕਹੋ ਵੀ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬਾਣੀ ਬਿਨਾਂ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ, ਗੱਲ ਬਣਦੀ। ਪਰ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਤੋੜਦੀ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਆਖਿਆ ਜਾਏ ਤੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ। ਇਹ ਕੁਝ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਇੱਥੇ ਵੀ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਅਜੇ ਸਾਡੀਆਂ ਨਿਗਾਹ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਭੁਲੇਖੇ ਵਿੱਚ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੀ ਚੋਲੀ ਉਹੋ ਹੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀਆਂ ਦੀ ਮਿਠਾਸ ਪਾਈ ਗਈ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਨੇ ਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਸੱਚਾਈ ਆਖੀ ਹੈ, ਇਹ ਵਿਸ ਗੰਦਲਾਂ ਧਰੀਆਂ ਖੰਡ ਲਿਵਾੜ। ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਵਿਖੇ ਕੇ ਬਣਾ ਦੀ ਵਿਸ ਗੰਦਲਾਂ ਸਨ, ਉਹਨਾਂ ਉੱਤੇ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀਆਂ ਸਕੱਤਰੀਆਂ ਦਾ ਸ਼ਹਿਦ ਲਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਖੰਡ ਲਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਚੰਗੀ ਲੱਗ ਰਹੀ, ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਸੋਚ ਰਹੇ ਵੀ ਕੌਮ ਦਾ ਕਿੱਥੇ ਨੁਕਸਾਨ, ਕੌਮ ਗੁਰੂ ਸਿਧਾਂਤ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਗੁਰੂ ਸਿਧਾਂਤ ਤੋਂ ਦੂਰੀ ਕਿਉਂ ਹੈ? ਜੇ ਅਸੀਂ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਵਿੱਚ ਬੈਠ ਕੇ ਦੇਵੀ ਦੇਵਤਿਆਂ ਦੀ ਪੂਜਾ ਅਤੇ ਅਰਦਾਸਾਂ ਹੀ ਕਰਨੀਆਂ ਨੇ, ਅਤੇ ਹਰ ਗੁਰਦੁਆਰੇ 'ਚ ਇਹੀ ਹੋਣ, ਫਿਰ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਕਾਹਦੇ ਹੋਏ? ਜਾਂ ਗੁਰੂ ਕੋਲ ਪੁੱਛ ਲਓ, ਇਹ ਠੀਕ ਹੈ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਨਾ, ਮੇਰੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾ, ਤੂੰ ਗੁਰੂ ਕੋਲ ਪੁੱਛ ਲਓ, ਇਹ ਠੀਕ ਹੈ। ਜੇ ਗੁਰੂ ਫੈਸਲਾ ਦੇਵੇ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਠੀਕ, ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਕੋਈ ਇਤਰਾਜ਼ ਨਹੀਂ। ਸੋ ਇਸ ਲਈ ਜੇ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਸਿਧਾਂਤ ਲਾਗੂ ਹੋਣਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਨਹੀਂ ਲਾਗੂ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਸੋਚੋ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਅਤੇ ਫਿਰ ਸੁਚੇਤ ਹੋ ਜਾਓ, ਇਹਨਾਂ ਸ਼ਬਦਾਂ ਨਾਲ ਖਮਾ ਦਾ ਜਾ ਚੇਤਨਾ ਫਤਿਹ ਬੁਲਾਓ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਰਾਮ ਕਲੀ ਮਹਲਾ ਤੀਜਾ, ਆਨੰਦ ਕੀ ਓਂਕਾਰ ਸਤਿਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ।